अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? आज आपको मैं इस औरत के बारे में, उसकी हकीकत से आपको आगाह करने लगी हूँ, जो कि मैंने शॉर्ट्स वगैरह पे भी के मैंने कब सारे डिटेल दिखाऊँ। ये इसका इंस्टाग्राम पेज है, इसमें इसके पुराने पोस्ट में, इसके नए पोस्ट में, पुराने पोस्ट में आपको जाके ना 2020 से लेकर 2021 के दरमियान की ये देखें, ये रिंग इसने पहनी हुई है और ये इसने रिंग जुलाई में पहनी है। अभी एक मज़े की चीज़ मैं आपको और दिखाऊँगी, लेकिन पहले आप ये सब चीज़ें नोट करते जाएँ, ठीक है? और यहाँ पर इसकी बेहयाई के सबूत हैं कि इसने जो है वो इस तरह की जो वीडियोज़ बनाती थी, ये लाइक और इस तरह की एप्लीकेशन में जा जाके, ये देखिए जी लाइक नज़र आ रहा है आपको, उसमें जा जाके जो है ना ये बेगैरतियाँ करती थी और इस तरह पैसे कमाती थी और बेहाई फैलाती थी। ये कोई मासूम और नेक परी सिर्फ औरत नहीं है, ये बहुत ही एक कहते हैं ना मासूमाना चेहरे के पीछे दरिंदा छुपा है। हाँ जी, और ये आप जो नीचे नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे जो शेर व शायरी लिखी हुई है, ये बेसिकली जवाब हैं उन शेर व शायरी के जो कि इन्होंने अपने महबूब को लिखे। अभी डेट देखें, ये 12 जून की है जिसमें इन्होंने रिंग पहनी हुई है, और इस रिंग का जो खेल है वो सब भांडा फूट गया, इसकी तस्वीरें वायरल हो गई। अब ये देखें दिलबर यासीन को, आपने इसका पेज खोला, यहाँ पे आपने उस बंदे का नाम सर्च किया एजाज, और यहाँ पे वो बंदा सामने नज़र आ रहा है। ये कोई पहुँची हुई चीज़ है, क्या है, क्या फिल्म है, कुछ नहीं पता, बट हाँ इसका और सितारा का अफेयर रह चुका है, और ये बात 100% सोर्सेज के साथ मैं आपको यकीन के साथ कह रही हूँ। और आप देखिएगा, शायराना जवाब जो दोनों में रहे हैं ना, वो डेट के साथ आप 2020, ठीक है ना, ये डेट के साथ देखते रहे कि बंदा इसका इंतज़ार कर रहा है। 2020 तक इस बंदे के हाथ में ये रिंग मौजूद है, ठीक है? अभी आप ये सब देखते जाएँ, मैं आपको एक धमाकेदार चीज़ दिखाने लगी, वो भी आपको नज़र आएगी कि मैं आपको क्या दिखाने लगी। तो मुझे जो चीज़ इंपॉर्टेंट आप लोगों को दिखानी थी, वो देखें, दिलबर का फ्रेंड है तो उस पर किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, खानपुर पे हैं ये लोग इस वक्त, और ये 20 डेट भी साथ साथ नोट करते जाइएगा। अभी इस बंदे की शादी नहीं हुई थी, इस बंदे की जिस दिन शादी हुई है उस दिन की मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखें, इस बंदे की शादी हुई 2021 में, ठीक है, और इस बंदे के हाथ में वो अंगूठी नहीं है, और जुलाई में सितारा के हाथ में अंगूठी आ गई है, ठीक है, उससे पहले ये देखें मई तक इस बंदे के पास ये अंगूठी मौजूद है, बट जुलाई में सितारे के पास वो अंगूठी आ गई है और उस बंदे के हाथ से वो अंगूठी निकल गई है। और ये देखें, ये बंदा सी व्यू कराची में भी मौजूद है, और इसने यहाँ पे जो है ना वो अपनी एक शेर व शायरी में अपने दुख और दर्द और गमगीनी का बहुत ज़्यादा जो है ना वो इजहार किया है। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे इल्तजा है, ऐसे घटिया लोगों को सपोर्ट ना करें, ये एक घटिया तरीन लोग हैं। मेरा मकसद है इनको जल्द से जल्द एक्सपोज करना और इस गंद को हमारी ज़िंदगियों से बाहर करना, क्योंकि ये हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये थोड़ा सा मेरा जो इन्वेस्टिगेशन है ये सही लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और मैं आपको ये सब जो दिखा रही ना ये बताना चाह रही हूँ कि ये देखें, जब ये फेमस हुई थी ना उसके बाद इसने उस बंदे को ठोकर मारी थी, उसके पास पैसा आना शुरू हो गए थे, क्योंकि ये उससे पहले जो है ना इस बंदे को पागल हो गई थी, और ये इसके पूरे खानदान वाली बात जानते हैं। हाँ जी, तो बेसिकली दे आर ऑल आर करप्ट, इनके नदीम मामू ने भी सारी बातें बताई हैं, दे आर ऑल करप्ट, प्लीज़ इन लोगों को सुनना छोड़ें और देखना छोड़ें। इनके मासूमाना चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है, एक गंदा गलीज शैतान। तो अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा कि मैं ऐसे चेहरों को जिनके ऊपर मासूमियत का एक ढोंग रचा हुआ है, इनके ज़रा चेहरों से लबादा हटाया जाए और इनकी औकात इनको बताई जाए, जो कि लोग बता रहे हैं। मैंने कहा मेरा भी फ़र्ज़ बनता है इस घटिया औरत की इन्वेस्टिगेशन करना। अल्लाह हाफ़िज़।